विश्वास भगवान की दया से हर एक के दिल में ऐसा प्यार होना चाहिए जैसा हमारे ग्रुप में प्यार है। हमारे निर्माता आशीष मोदी, हमारे डायरेक्टर हर्षद जोशी, मालव राजड़ा, सभी कलाकार, हमारे पोपटलाल जी, श्याम पाठक, भेड़े, मंदार, आईआर, बाघा, 30 कलाकार है, मेन कलाकार किस किस का मैं नाम लूँ, लेकिन बहुत प्यार है, बहुत प्यार है हमारा फैमिली, वी आर ऑल फैमिली मेम्बर। ऐसा प्यार हमने कोई ग्रुप में नहीं देखा। हमारे सेट पर ऐसा नहीं है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मतलब ऐसा है कि हमने पहले से ये प्रथा रखी है कि यूनिट के किसी भी मेंबर का अगर बर्थडे हो तो, और अगर हम शूट कर रहे हैं तो हम केक ज़रूर काटते हैं से एक, और बिल्कुल बाकायदा साथ में सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आज का ही दिन है 12 मई, हमारी यूनिट के 4 मेंबर्स का बर्थडे है। नट्टू काका का बर्थडे है, सोढ़ी भाई का है, हाथी भाई जो पहले मतलब आज़ाद भाई थे उनका बर्थडे, और हमारे जो मेकअप मैन है अनूप, उनका बर्थडे है। तो उनकी सबकी मतलब यहाँ पर केक कटिंग हुई। और ये जो अभी 11 साल की हमारी जर्नी रही है उसमें कुछ ऐसा सा माहौल बन गया है, ऐसा सा ये हो गया है कि हम मतलब एक एक्सटेंडेड फैमिली हो गए हैं। ज़्यादा वक्त हम सेट पर बिताते हैं, घर से ज़्यादा वक्त। और आज खास मौका इसलिए भी है क्योंकि घनश्याम भाई का 75th बर्थडे है, और बस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी हेल्थ इसी तरह अच्छी रहे, वो हंसते खेलते रहे, हमें हंसाते रहे, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, और इनका जो 100th बर्थडे है वो बहुत जल्द हम सब साथ में मिलकर तारक मेहता के सेट पर सेलिब्रेट करें, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कोई स्पेशल बर्थडे? मेरे ख्याल से इनका हर बर्थडे स्पेशल है, और मैं तो कहूँगा कि हर दिन स्पेशल है, क्योंकि ये जब भी आते हैं तो सेट पर एक अलग खुशी छा जाती है। जिस तरह से सबसे मिलते हैं, बातें करते हैं, हम घंटों घंटों साथ में रहते हैं, और इनसे बहुत कुछ, इनके एक्सपीरियंसेस जब ये शेयर करते हैं तो हमें सीखने को मिलता है कि इनकी जर्नी कैसी रही, इनका स्ट्रगल कैसा रहा। तो अपने आप में मेरे ख्याल से हर दिन जब ये शूट पर होते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है, और वी स्पेंड रियली वेरी गुड टाइम विथ ईच अदर। सोढ़ी भाई की इस वक्त अभी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है, वरना तो वो खुद भी होते हैं यहाँ पर। दूसरा क्या, चुनाव का दिन है और वो दिल्ली के हैं, तो दिल्ली में भी चुनाव है, तो बोले मैं मत तो दूंगा ही, मताधिकार मेरा जन्मसिद्ध हक है। तो देखे देश के प्रति उनकी कितनी भक्ति है, आज वो इधर भी है, वोट देने भी जाएंगे, फिर वापस भी आएंगे। तो ये हमारे कलाकार हैं। ये मेरा बेटा है विकास नायक, वो भी तारक मेहता के उल्टा में कभी कभी रोल करने आता है। बाहर की लाइफ में मेरे मित्र रहने चाहिए, मित्रों के बगैर मैं नहीं रह सकता। ये है शैलेश, शैलेंद्र भाई मेरे, उनका घर में एक रात को जाता हूँ, घंटा बैठता हूँ। दूसरे हमारे एक जोगी है, अजीत जोगी, ये दोनों दोस्त हैं मेरे। एक अच्छे दोस्त है भावसार जसवंत भाई, वो गुजर गए, तो दोस्तों के बिना जिंदगी नहीं कटती, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मगर दोस्तों के साथ रहो, हंसते रहो, खुश रहो, सबका बन के रहो, नॉर्मल आदमी बन के रहो। हमारे ग्रुप में यही है, सब नॉर्मल है, किसी को घमंड नहीं है। थैंक यू। मैं बस यही कहूँगा आपके माध्यम से हमारे सारे दर्शकों को कि आपने पिछले 11 साल से तारक मेहता का उल्टा चश्मा को जिस तरह से प्यार दिया है, उसी तरह अपना प्यार देते रहे। आने वाली जितनी भी अभी स्टोरीज है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे अच्छे एपिसोड्स आने वाले हैं, तो इसी तरह हमारे शो को देखते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। और बस जैसे मैंने पहले भी कहा कि नट्टू काका का जो 100th बर्थडे है, हम ज़रूर तारक मेहता के सेट पर सेलिब्रेट करेंगे मिस्टर एंड मिसेस पोपटलाल के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल, आज सबसे बड़े बच्चे का बर्थडे हमारे यहाँ पे 75 साल का हो गया है बच्चा घनश्याम नायक जी, नट्टू काका जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी हेल्थ को वो बरकरार रखे, ऐसे ही उनमें उत्साह की कभी कमी ना हो, और उनके आशीर्वाद हम पे यूं ही बने रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हर साल हम लोग का ऐसा ही होता है, टेक्नीशियन का बर्थडे हो या आर्टिस्ट का बर्थडे हो, एक ही नज़र से देखा जाता है, सबके लिए सेम केक कटिंग होती है, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होते, क्योंकि आज इसका बर्थडे तो इसका अलग से, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सभी का, राइट फ्रॉम स्पॉट बॉय टू आर्टिस्ट, सबके केक हमें यहाँ पे कट होते हैं, क्योंकि हर एक यहाँ पे कोई ऐसे ऊंचा बड़ा नीचा नहीं है, हर कोई अपना काम कर रहा है। अगर हमें आर्टिस्ट हो तो वो स्पॉट बॉय है, कोई डिफरेंस तो है ही नहीं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है।
जी बिल्कुल, आज उनका शूटिंग नहीं है इसलिए वो नहीं आ पाए, तो मेरे हमने उनसे फ़ोन पे बात की, केक साथ में केक कटिंग भी किया, उनको फ़ोन पे रख के हमने फोन केक कटिंग किया। तो हमारी तरफ से, पूरी तारक मेहता की तरफ से मैं उनको भी बधाई देता हूँ, उनको भी बेस्ट विशेस फॉर योर फॉर हिज गुड हेल्थ। जी बस यही जानना चाहेंगे आप मीडिया की ओर से कि वो कब आना चाहे, क्योंकि आपके पास सबसे पहले खबर पहुंच जाती है। जनता भी यही जानना चाहती है, मैं भी जनता ही हूं भाई, मैं भी जनता ही हूं, मैं कुछ अलग नहीं हूं, मैं भी यही जानना चाहता हूं कि हमारी दया भी कब आ रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आएगी। यस, फैंस को आज के मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जहाँ पे सभी माओं को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि मदर्स डे तो एक बहाना है, लेकिन मुझे लगता है कि माँ को तो हर रोज़ याद किया जाना चाहिए। सेवेंटी फिफ्थ बर्थडे तो कहने के लिए है, मैं तो कहती हूँ कि बहुत यंगेस्ट है, बहुत यंग है वो, बहुत यंग है वो, दिल से यंग होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है नटुका का एक्चुअली वैसे है, बहुत नटखट है, रोमांटिक है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत मतलब एक सीखने जैसी बात है उनमें, कि जो सबसे मिलना है सेट पे आने के बाद, सबको आशीर्वाद देना है, सबसे बहुत अच्छे से पूछना है सबकी, एक जो होता है कि जैसे फादरली फिगर जो कोई होते हैं व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो कैसे सबसे पूछते कैसा है हाल वाल, तो इस तरीके से वो हमेशा मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक्चुअली माधवी और नट्टू काका का कोई कनेक्शन नहीं है सीरियल में, लेकिन फिर भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, हम लोग नहीं जानते थे, हम लोगों ने नहीं काम किया है, तो वो हाँ हाँ वो तो बहुत प्यार करते हैं सबसे, इतना प्यार करते हैं वो, तो बहुत अच्छी बात है और सीखने जैसी बात है। मुझे लगता है यही तो तारक मेहता की यूएसपी है, मतलब ऑन स्क्रीन हम लोग जो दिखाते हैं लोगों को कि एक यूनिटी होना, एक प्यार होना एक दूसरे के प्रति, तो वही ऑफ स्क्रीन भी हम लोगों का वैसे ही बना है। तो मुझे लगता है यही है जो ऑन स्क्रीन दिखता है, वही उसकी यूएसपी भी वही है, उसका राज भी वही है, कि ऑफ स्क्रीन भी हम लोग उतना ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का जो भी सुख है दुख है वो सब एक दूसरे के लिए बांटते हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तभी आपकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन दिखने में आती है। तो मुझे लगता है यही है। अभी आज देखिए नट्टू काका का कोई एक्चुअली आज शूट भी नहीं है, लेकिन वो खास इनके बुलाने पर वो आए, केक कटिंग किया, तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये 75 एज में वहाँ से उठ के यहाँ आए हैं, तो ये बहुत मतलब कितना प्यार है एक दूसरे पर, और प्रोडक्शन ने भी बुलाया यहाँ, केक कटिंग किया, ऐसा नहीं कि उनका जब शूट हो देख लेंगे, आज अगर है उनका बर्थडे है तो केक कटिंग कर लो, ये नहीं है, वो दिल से चाहते हैं लोग, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। हाँ जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि एक जिम्मेदारी है नागरिक के तौर पे, और वो निभा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे दुआएं, हमारे ब्लेसिंग्स, हमारे विशेस उसके साथ है। फोन कर चुके हम लोग, स्पीकर के ऊपर लगा के हम लोगों ने सबने बात की है, तो ही इज़ ऑल्सो एंजॉइंग हिज बर्थडे देयर, तो बस मज़े कर रहे हैं। नहीं मुझे पता नहीं है एक्चुअली, भगवान की इच्छा हो तब वो सब अच्छा ही होगा, तो काम करते रहो, वो आए तो हम लोग तो वेट कर ही रहे हैं, वी आर मिसिंग बट हम लोग वेट कर रहे हैं, हमें भी पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है सिचुएशन, जैसे लोगों के दिल में आशंका है जो भी है, वो वैसे भी हम लोग भी उसी सिचुएशन में है, तो देखते हैं। सब मदर्स को, सब मम्मियों को, सब माओं को, सब आई को हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू।